हमने केवीएल केसीएल पढ़ लिया था और उसके एप्लीकेशंस देखे थे, एंड वी सेड वी विल लुक एट सम स्पेशल एप्लीकेशंस ऑफ केवीएल केसीएल, जिन पर हम जो फाइनल रिजल्ट्स देखेंगे, जो फाइनल रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, उन्हें हम डायरेक्टली याद रखेंगे रादर देन अप्लाइंग केवीएल केसीएल इन दोज केसेस, ठीक है? जिसे हम बेसिकली बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन जब होता है, तो वहां पर हम किस तरह से डायरेक्टली रिजल्ट्स बता सकते हैं, ठीक है? केवीएल केसीएल लगाकर अप्लाई करके हम जो रिजल्ट्स निकालेंगे रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के लिए, उन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है? नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विल बी अगेन सिमिलर टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे हम कैपेसिटर्स में बताते हैं, अलग अलग तरह से कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो सकता है। ऑल द केसेस, जो जो केसेस हमने वहां देखे थे सिमिलर केसेस, वही सारे केसेस हमें यहां पर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? हम सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन मींस एंड टू एंड जॉइनिंग ऑफ द रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को हम इस तरह से एंड टू एंड अगर जॉइन कर दें, then such combination is called series combination of resistors, ठीक है? आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि दो रजिस्टर सीरीज में है या नहीं, उसका एक सिंपल सा तरीका होता है। किसी पॉइंट पर अगर सिर्फ दो रजिस्टर्स ही जुड़े हो और कोई तीसरी चीज नहीं जुड़ी हो, दैट मींस वहां पर रजिस्टर्स जो है वो सीरीज में होंगे। इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो हमें मिलेगा दैट एट दिस पॉइंट ओनली द रजिस्टर्स आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड, नो थर्ड कॉम्पोनेंट, कोई और तीसरा कॉम्पोनेंट यहां कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा जब भी हमें केस मिलता है, दैट मीन्स द रजिस्टर्स आर इन सीरीज। जैसे ही किसी पॉइंट पर एक तीसरी चीज जुड़ गई, तो श्योरली वहां पर सीरीज तो होगा ही नहीं। वी कैन श्योरली से दैट इट विल नॉट बी सीरीज कनेक्शन, वो सीरीज कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है? तो सीरीज कनेक्शन जब भी हमें मिलेगा तो इसी तरह का केस मिलेगा। एट सम पॉइंट इफ ओनली टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड नो थर्ड कॉम्पोनेंट इज कनेक्टेड, देन द टू रजिस्टर्स विल बी इन सीरीज, ठीक है? और बिल्कुल क्रूड लैंग्वेज में जो हम बोल रहे हैं एंड टू एंड ज्वाइनिंग, एक का एंड दूसरे के एंड से जोड़ दिया, दूसरे का फिर तीसरे के एंड से, फिर तीसरे का चौथे के एंड से, और इस तरह से एंड टू एंड कनेक्शन हम करते जा रहे हैं। नाउ हम इस लूप पर केवीएल केसीएल लगाना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं यहां पर किस तरह के रिजल्ट हमें मिलते हैं। ये जो रेजिस्टर्स है इनमें करंट की वैल्यू क्या होती है, इन पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वन फाइनल एम विल ऑलवेज बी टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम ये फाइंड करना चाहेंगे कि ये दोनों रेजिस्टर्स मिलके किस एक सिंगल रेजिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है? ये दोनों रेजिस्टर्स मिलके किस एक सिंगल रेजिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, दैट विल बी आर फाइनल टास्क। देन हम केवीएल केसीएल लगाना शुरू करते हैं। नाउ एज वी सेड व्हाइल एक्सप्लेनिंग केसीएल, अगर सिर्फ एक सिंगल लूप है तो बेसिकली केसीएल लगाने का वहां कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर हम लगाएंगे तो हमें हर जंक्शन पर यही मिलेगा कि आई करंट आता है, आई करंट चला जाता है, हर जंक्शन पर हमें यही चीज मिलेगी। दैट मीन्स
द करंट इन द सर्किट विल बी सेम एवरीवेयर. हम बोलेंगे दोनों रेजिस्टर्स में आई वन इक्वल टू आई टू विल बी इक्वल टू आई. द फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ सीरीज कनेक्शन, करंट इन बोथ द रेजिस्टर्स विल बी सेम. दोनों ही रेजिस्टर्स में करंट हमें सेम मिलेगा. देन हम केवीएल लगाए, हम केवीएल लगाते हैं. मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और क्लॉकवाइज जाता हूं लूप पर. ठीक है, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और लूप में क्लॉकवाइज जाता हूं. केवीएल लिखना शुरू करें, ये बैटरी का प्लस माइनस, प्लस वी माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू इक्वल्स जीरो. प्लस वी माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू इक्वल्स जीरो. यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू हमें पता है, दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस हमें पता है और हमें बैटरी का ईएमएफ पता होगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द करंट इन द सर्किट आई आर वन प्लस आर टू इक्वल्स वी एंड द करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस आर टू. सबसे पहला रिलेशन फॉर्मूला हमारे पास ही आ जाता है, द करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस आर टू. अगर हमें करंट मिल गया तो हम दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं कितना कितना है. अगर हमें करंट मिल जाता है तो हम दोनों रेजिस्टर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं. V1 is equal to IR1, which will be equal to V into R1 upon R1 plus R2. V2 will be similarly equal to IR2, which will be equal to IR2 upon R1 plus R2. अगर हम रेशियो देखें, अगर हम यहां पर रेशियो देखें तो हमें मिलेगा दैट V1 अपॉन V2 विल बी इन द रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2. द वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स. जितना बड़ा रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा उसे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. द पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स. जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होगी उसी रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ठीक है, अब हम बोल रहे हैं एक लास्ट टास्क और जो है हमारा, जो हम फाइंड करना चाहते हैं, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. We conceptualize equivalent resistance. हम सबसे पहले equivalent resistance के concept को समझे. We say that the equivalent resistance of a combination of resistors, equivalent resistance of a combination of resistors will be equal to the resistance of the resistor which draws the same current from the same battery. It will be equal to resistance of the resistor, resistance of a single resistor which draws the same current from the same
बैटरी। हम इस कॉम्बिनेशन की जगह एक सिंगल रजिस्टर ऐसा लगा दें जो उसी बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ करे, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर विल बी डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल रजिस्टर विच ड्रॉज सेम करंट एज द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द सेम बैटरी। ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, इस कॉम्बिनेशन की जगह पर एक सिंगल रेजिस्टर ऐसा लगा दिया जाए जो उसी बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ करे, द रेजिस्टेंस ऑफ सच अ रेजिस्टर विल बी डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इस सर्किट को मैं ऐसा रिड्यूस कर दूं, द कॉम्बिनेशन रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रेजिस्टर, सेम बैटरी, सेम वैल्यू ऑफ करंट, हमें उसी बैटरी से उतना ही करंट मिले। ठीक है, यहां पर तो अब बहुत सिंपल है, यहां पर तो अब बहुत ही सिंपल है चीजों को लिखना। हम बोलेंगे V इक्वल टू आई आर ई क्यू, केवीएल लगा के बोल दो या डायरेक्टली, दिस इज अ वेरी सिंपल केस। हम जानते हैं जितना भी इस बैटरी का ईएमएफ है उतना ही रेजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस है, देयरफॉर वी इक्वल टू आई आर ई क्यू। आर ई क्यू से हमारा मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ हम बोल रहे हैं सेम बैटरी सेम करंट, यही बैटरी का पोटेंशियल यही करंट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, वही बैटरी का पोटेंशियल वही करंट की वैल्यू, वही बैटरी का पोटेंशियल वही करंट की वैल्यू। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से मिलाकर हमें मिल जाएगा I इंटू आर वन प्लस आर टू इक्वल्स आई आर इक्विवेलेंट, विच इन टर्न विल गिव अस R equivalent equals R1 plus R2. Equivalent resistance हमें मिल जाएगा, it will simply be equal to the sum of the resistances of the two resistors. दोनों resistors के resistance के sum के equal हो जाएगा equivalent resistance. जिस तरह से हमने पूरा डेरिवेशन किया है उसको देखते हुए वी कैन जनरलाइज दिस, वी कैन जनरलाइज दिस फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, हम फिर से पूरा डेफिनेशन पूरा डेरिवेशन ना करते हुए हम जनरलाइज करके सारी चीजें लिख सकते हैं फॉर एन रेजिस्टर्स इन सीरीज। अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है सीरीज में फॉर एन रेजिस्टर्स इन सीरीज, जो सबसे पहला पॉइंट था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। हम बोलेंगे आई वन आई टू आई थ्री अप टू आई एन सब इक्वल ही होंगे, आई के ही बराबर होंगे। आई वन विल बी इक्वल टू आई टू विल बी इक्वल टू आई थ्री विल बी इक्वल टू आई एन विल बी इक्वल टू आई। जो हमने करंट की वैल्यू लिखी है देखो वो यहां पर किस तरह से आई है, जब एन रेजिस्टर्स होंगे तो वी माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री अप टू आई आर
इस तरह से आएगा एंड वील सी दैट देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन. द वैल्यू ऑफ करंट will be equal to V upon R equivalent, that will be equal to V upon the same thing जो हमने ऊपर लिखी आ रहे इस तरह से. for any of the resistor, if we want to tell the potential ऑन दैट रजिस्टर, अगर हम किसी भी रजिस्टर पर पोटेंशियल बताना चाहें तो वो इस तरह से आ जाएगा आई आर एन विच देयरफॉर विल बी वी इंटू आर एन अपॉन आर इक्विवेलेंट. यहां पर भी हम देखेंगे फॉर इवन एन रजिस्टर्स the potential will be divided in the ratio of their resistance. ठीक है, suppose 1:2:3:4 ratio में resistors हैं, तो उन पर जो potential difference हमें मिलेगा वो भी 1:2:3:4 इसी ratio में मिलेगा. ठीक है, मतलब ये वी एन जो हम लिख रहे हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी वी इंटू आर एन अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री टू आर एन. ठीक है, रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की रेशियो में पोटेंशियल डिवाइड होता है सीरीज में. ठीक है, सो दीज आर द टू मेन पॉइंट्स विच वी शुड रिमेंबर. ठीक है, हम दो बातें बोल रहे हैं, करंट विल बी सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स. ठीक है, हमने उसको इक्वेशन फॉर्म में तो लिख ही दिया है बट इसको हम इस तरह से याद भी रखें वर्ड्स में, करंट विल बी सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स विच आर इन सीरीज, पोटेंशियल विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स, इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स. ठीक है, इसको हम एक इन दो बातों को हम एक नोट बनाकर रखें, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दी से आंसर देने में हमें हेल्प मिलती है. ठीक है, करंट सेम इन ऑल रेजिस्टर्स, पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस. दैट मीन्स हायर द रेजिस्टेंस more will be the potential difference across its ends. Higher the resistance, more will be the potential difference across its ends. Okay, ek last generalization aur yahan main deta hu. If n resistors of same resistance are connected in series, for n resistors each of resistance R, अगर हम n number of resistors connect करें each of resistance capital R, ठीक है,
पहला पॉइंट तो तब भी वही रहेगा, करंट सेम इन ऑल, वो बात तो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। R इक्विवेलेंट जो है अब वो R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स विल बी इक्वल टू एन आर, देयरफॉर करंट विल बी इक्वल टू V अपॉन एन आर, करंट की वैल्यू जो है वो V अपॉन एन आर हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी इक्वल टू V बाय एन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी इक्वल टू V बाय एन। ठीक है फाइन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर हम आते हैं। सेकेंड केस पर हम आते हैं, सेकेंड टाइप हम देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन This type of combination will be called parallel combination। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, वहां सीरीज में हम कनेक्शन कर रहे थे एंड टू एंड, एक का एंड दूसरे के एंड से, दूसरे का एंड तीसरे के एंड से, एंड सो ऑन कनेक्ट करते जा रहे थे। यहां पर हम सारे रेजिस्टर्स के एंड्स को दो फिक्स्ड पॉइंट्स पर कनेक्ट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। वन एंड पॉइंट ऑफ ईच रजिस्टर विल बी एट द सेम पॉइंट, सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ ऑल द रजिस्टर्स विल बी एट अनदर पॉइंट। जितने भी रजिस्टर्स हैं अगर वो अपने दोनों एंड पॉइंट शेयर करते हैं, इफ दे शेयर बोथ द एंड पॉइंट देन दे आर डेफिनेटली इन पैरेलल, तो ही वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अगर वो एक एंड पॉइंट शेयर करते हैं दूसरा वाला नहीं करते हैं तो वो पैरेलल में नहीं होंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ दे शेयर बोथ द एंड पॉइंट्स देन दे विल बी इन पैरेलल। ठीक है, अगेन हम हमारा एनालिसिस स्टार्ट करें। अब यहां पर हमें मल्टीपल लूप्स दिखेंगे, यहां पर हमें तीन लूप्स दिखेंगे, एक लूप ऐसा, एक लूप ये, एक लूप ये। दैट मींस एक लूप जिसमें बैटरी और R1 आ रहा है, एक लूप जिसमें बैटरी और R2, एक लूप जिसमें R1 और R2। हम कोई से भी दो लूप्स लेते हैं। ठीक है, याद रखो हमने ये चीज पहले ही बताई थी, अगर हम सारे ही लूप्स ले लेते हैं तो दो से ही मिलके हमें तीसरी वाली इक्वेशन एक तरह से मिलने लगती है। सो वी ओनली नीड टू लूप्स, हमें सिर्फ दो लूप्स लेने की जरूरत है। करंट्स की डायरेक्शन यहां हम स्पेसिफाई कर दें, करंट्स की डायरेक्शन यहां काफी ऑब्वियस है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम बैटरी। फिर यहां पर जो करंट है उसको डेफिनेटली डिवाइड होना पड़ेगा, यहां मैं आई वन और आई टू बोल दू वैल्यूज। जंक्शन बन रहा है तो करंट डिवाइड होगा डेफिनेटली, आगे जाकर कंबाइन होगा और वापस आई करंट बन के ही आ जाएगा। यहां पर अब जंक्शन बन रहा है, हमें KCL भी लगाना पड़ेगा। Now let us take some loop, हम कोई लूप लेते हैं, सपोज मैं ये वाला लूप लेता हूं। ठीक है, मैं इस पॉइंट से ही सपोज स्टार्ट करता हूं, KVL लिखना शुरू करें हम, माइनस वी वन प्लस V2, हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, प्लस V2
will be equal to 0, which implies V1 is equal to V2. Minus V1 plus V2 is equal to 0, which in turn implies V1 will be equal to V2. फिर मैं एक लूप लेता हूं इस तरह का, जिसमें बैटरी और R2 दोनों आते हैं. एक ऐसा लूप जिसमें बैटरी और R2 आ रहे हैं. कहीं से भी फिर से हम स्टार्ट कर लें. सपोज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, सो आई विल गेट प्लस वी माइनस वी टू इक्वल जीरो, विच इंप्लाइज दैट वी टू विल बी इक्वल टू वी. कंबाइन दीज टू इक्वेशंस एंड वी कंक्लूड दैट वी वन विल बी इक्वल टू वी टू विल बी इक्वल टू वी. दोनों ही रजिस्टर्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के ही इक्वल हो जाएगा. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम. ठीक है, अगेन इस तरह का नोट जो हमने सीरीज में लिखा था, यहां पर हमें पैरेलल का सबसे पहला नोट मिल जाता है. वी से दैट ऑल द रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर एंड्स. अगर हमें V1 V2 मिल गए तो हम करंट लिख सकते हैं, हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी. I1 will be equal to V by R1. ठीक है, अब यहां मैंने सीधे V ही लिख दिया. I2 will be equal to V by R2. ठीक है, V further conclude that the current in the two resistors will be in inverse ratio of their resistances. Again, an important point, important note. The current in any two resistors in parallel combination will be in inverse ratio of their resistances. ठीक है, तो यह हमारा ये सेकेंड कंक्लूजन हो जाता है. पहला हम बोल रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम. दूसरा हम बोल रहे हैं द करंट इन द रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इन इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस. मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको ज्यादा करंट मिलेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसको कम करंट मिलेगा. ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लेस विल बी इट्स करंट, उसमें करंट हमें कम मिलेगा. नाउ केसीएल से हम एक और चीज लिख सकते हैं. यहां केसीएल अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है द टोटल करंट विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, एंड देयर फॉर द टोटल करंट विल बी इक्वल टू वी इंटू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू. टोटल करंट अगर हम निकालना चाहें तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. सारी चीजें फिर से हमें मिल गई, हमें आई वन आई टू करंट सप्लाइड बाय द बैटरी वी वन वी टू सब कुछ मिल गया. एंड अगेन आर फाइनल एम इज टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसके लिए सर्किट तो बिल्कुल इक्विवेलेंट सर्किट उसी तरह का हम बनाएंगे. द डेफिनेशन इज सेम, द डेफिनेशन इज अ जनरल डेफिनेशन. डेफिनेशन सेम रहेगी, अ सिंगल रेजिस्टर विच ड्रॉज सेम करंट फ्रॉम द सेम बैटरी, उसी बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ करे ऐसा जो रेजिस्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी. अब यहां से मिलेगा I will be equal to V upon R equivalent
आई की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, तो हम लिखेंगे वी अपॉन आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू वी इंटू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू एंड वी गेट द रिलेशन फॉर इक्वलेंट रेजिस्टेंस वन अपॉन आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू. ठीक है, ध्यान रहे रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट और कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, उनके फॉर्मूले बिल्कुल उल्टे आते हैं. ये फॉर्मूला हमें कैपेसिटर्स में सीरीज के लिए मिलता है और ऐसा वाला फॉर्मूला हमें कैपेसिटर्स में पैरेलल के लिए मिलता है. तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है, उन्हें मिक्सअप ना करें, ध्यान रहे कौन सा कहां लगाना है. ठीक है, जो वहां कैपेसिटर्स में सीरीज में था वो यहां पैरेलल में है, जो कैपेसिटर्स में पैरेलल था वो यहां सीरीज में. ठीक है, फॉर्मूले जो है वो एक दूसरे दोनों में उल्टे. ठीक है, नाउ हम इस तरह का एक जनरलाइजेशन भी बनाते हैं यहां पे फॉर एन रेजिस्टर्स इन पैरेलल.